कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो ऑफिस में जॉब करता था, वर्क प्रेशर की वजह से बड़ा ही फ्रस्ट्रेटेड रहता था, घर आता था सारा गुस्सा अपने बच्चों पर, बीवी पर निकाल देता था, झगड़ा करता था। और बच्चे जो थे, बीवी जो थी, इस बात से बड़ी परेशान रहती थी कि मतलब हमारे पतिदेव को हो क्या गया है। दिन भर इस बंदे को लगता था कि इसकी लाइफ का होना ना होना बराबर है। जब रिलेटिव्स के कॉल्स आते थे तो बात नहीं करता था ढंग से, वीडियो कॉल आते थे तो उठाता नहीं था। इसको ऐसा लगता था कि इसकी लाइफ का होना ना होना बराबर है, इसको लाइफ से मतलब ही नहीं रहा था, ये इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था। इसको लगता था घर का सारा खर्चा मुझे उठाना पड़ रहा है, लोन चल रहे हैं, ईएमआई चुकानी पड़ रही है, काफ़ी सारी टेंशन में था। कुल मिलाकर के आज की लाइफस्टाइल से परेशान हो गया था। एक दिन ये बैठा हुआ था, इसका बच्चा इसके पास में और आकर के बोला कि पापा आप मेरी हेल्प कर दीजिए होमवर्क करवाने में। तो इसने अपना सारा गुस्सा बच्चे पर निकाल दिया, उसको डांट करके भगा दिया कि जाओ जाकर के अपने रूम में बैठो, मैं होमवर्क करवाने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर, मुझे अपना ऑफिस का काम करना होता है। बच्चा रुआंसा होकर के चला गया। थोड़ी देर बाद जब इसका गुस्सा ठंडा हुआ तो उसको लगा कि यार एक बार जाकर के मिलना चाहिए। बच्चे के पास पहुंचा तो देखा कि बच्चा सो चुका था, वो जो होमवर्क की कॉपी थी बच्चे के सर पर ऐसे रखी हुई थी। तो इसको लगा कि कॉपी को नीचे रख देते हैं, उठा करके रखने लगा नीचे। तो फिर इसको लगा कि एक बार पढ़ लेते हैं बच्चा क्या कर रहा था, ऐसा किस चीज में उसे मदद चाहिए थी। तो होमवर्क पढ़ने लगा तो उसका टाइटल था वो चीजें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में अच्छी लगने लगती हैं। इस टाइटल पर बच्चे को कैसे लिखना था, बच्चे ने एक पैराग्राफ लिख दिया था। तो ये बंदा पढ़ने लगा, बच्चे ने लिखा था कि मैं थैंक यू कहना चाहता हूं फाइनल एग्जाम्स को, जो शुरू में तो अच्छे नहीं लगते, बड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन उनकी वजह से समर वेकेशन आ जाती हैं। फिर उसने लिखा कि मैं थैंक यू करना चाहता हूं उन कड़वी लगने वाली दवाइयों को, जो स्वाद में तो अच्छी नहीं लगती हैं लेकिन उनकी वजह से हम ठीक हो जाते हैं। फिर बच्चे ने लिखा कि मैं थैंक यू करना चाहता हूं अलार्म क्लॉक को, जो हमें सुबह सुबह जगा देती है, हमें अच्छा नहीं लगता लेकिन हमें मालूम चलता है कि हम जिंदा हैं। मैं थैंक यू करना चाहता हूं ऊपर वाले को जिसने मुझे पापा दिए, वही पापा जो शुरू में तो मुझे डांटते हैं, अच्छे नहीं लगते लेकिन बाद में मुझे मार्केट लेकर के जाते हैं, घुमाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, अच्छे अच्छे खिलौने दिलाते हैं। तो मैं उनको भी, भगवान को भी थैंक यू कहना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी लाइफ में पापा भेजे, क्योंकि मेरे दोस्त के तो पापा हैं ही नहीं। ये जो आखिरी की लाइन थी इसने इस बंदे को हिला दिया, अंदर तक झकझोर दिया, और इसको ये मतलब नींद से जाग गया। इसको लगा कि इसकी लाइफ का मतलब क्या है, ये खुद से बड़बड़ाने लगा, वो जो बच्चे ने लिखा था उसको कॉपी करने लगा, बोलने लगा कि हे ऊपर वाले आपका थैंक यू है कि मेरे पास घर है, क्योंकि कईयों के पास तो घर नहीं है। हे ऊपर वाले आपका थैंक यू कि मेरे पास में बच्चे हैं, बीवी है, परिवार है, क्योंकि कईयों के पास में तो परिवार ही नहीं है। हे ऊपर वाले आपका धन्यवाद कि मेरे पास में ऑफिस है, वर्क है, वर्क प्रेशर है, क्योंकि कईयों के पास में तो जॉब ही नहीं है। हे ऊपर वाले आपका धन्यवाद है कि मेरे पास में वो सारी चीजें हैं जो कईयों को चाहिए होती हैं, चाहे मैं उनके लिए ईएमआई दे रहा हूं लेकिन वो सारी चीजें मेरे पास में है। हे ऊपर वाले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे जिंदगी दी है, रिश्तेदार दिए हैं, कईयों के पास में तो वो भी नहीं होते हैं, दोस्त दिए हैं जो मुझे चाहे किसी भी टाइम कॉल कर देते हैं, लेकिन दोस्त दिए हैं जो कईयों के पास में नहीं होते हैं। इस बंदे को उस दिन अपनी लाइफ का मतलब समझ में आ गया। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी पॉजिटिविटी देती है, आपको ये मंत्र देती है कि लाइफ में जो मिला है उसमें खुश रहिए और खुशी खुशी अपना जो जिंदगी का दायरा है उसे बड़ा करने की कोशिश कीजिए, अपने लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश कीजिए। इसलिए आरजे कार्तिक आपसे कहता है कि हम सब में वो ताकत है, हम सब कर दिखा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बस अपने जज्बे को बरकरार रखना होगा।